नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों आज 21 तारीख है और सावन में इतनी बारिश नहीं हुई, शिवरात्रि का मौसम था लेकिन तब भी ऐसी बारिश नहीं हुई। आज 21 तारीख है, आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, रात्रि 2 बजे से बारिश हो रही थी लेकिन शहर के हर प्रमुख चौराहे पर और गलियों में पानी भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि नाले साफ हुए थे ना, इसलिए पानी भरा हुआ था शायद। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि रुड़की की यह समस्या ऐसे जाने वाली नहीं है। नाला साफ करना इसका कोई विकल्प नहीं है कि रुड़की में पानी नहीं भरेगा। आपको बता दूं, गौरव गोयल जो मेयर हैं अभी भाजपा के हैं, उन्होंने दावा किया था कि अब की बार पानी नहीं भरेगा रुड़की में, किसी घर पर पानी नहीं भरेगा। लेकिन पानी तो भरा भैया, साफ पानी भरा, थोड़ा गंदा पानी नहीं भरा, साफ पानी भरा लेकिन पानी तो भरा ना। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि शहर के प्रमुख गली चौराहे पर सही सब जगह पानी भरा है और इसी मुद्दे पर हमने बात की है सुनील साहनी जी से, राकेश गर्ग जी से और पूर्व मेयर यशपाल राणा जी से कि आपका क्या मानना है कि रुड़की में पानी कभी भरेगा या नहीं भरेगा, और भरेगा तो आपका इस पर क्या स्टैंड है। तो राकेश गर्ग जी का कहना है कि अधिकारियों पर आरोप लगाते उन्होंने कहा है कि ये अधिकारियों की गलती है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे पानी भरा, अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने ये बात कह दी। फिर उसके बाद हमने यशपाल राणा जी से बात करी तो उन्होंने क्या कहा कि वे थर्मामीटर कहाँ गए जो ये नाप रहे थे कि कितना पानी कहाँ है, क्या टूट गए? ये मैंने पहली वीडियो में भी कहा था आपको, अब भी कह रहा हूँ, उन्होंने इसी बात पर सवाल उठाया है, रुड़की मर पानी भरेगा। उन्होंने ये भी एक इंटरव्यू में हमारे कहा था कि अगर अंबर तालाब को पूरा उजाड़ दिया जाए और दोबारा बसा दिया जाए तो शायद अंबर तालाब में पानी ना भरे, क्योंकि सारा इधर रामनगर से लेकर और सुभाष नगर से लेकर सारा पानी जो जाता है वो अंबर तालाब में जाता है, अंबर तालाब में इसलिए पानी भरता है ज़्यादा। तो इसी बारे में हमने बात की है कुछ नेताओं से, उनका साफ साफ कहना है कि अगर नगर निगम नाले साफ करवाएगा तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? मेयर गौरव गोयल जी अगर हमसे बात करेंगे तो ये हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसका सोल्यूशन दिया था और शहर के प्रमुख नालों को हमने ही दिखाया था कि किस तरह ये चोक हुए हुए हैं। क्योंकि अगर नाले रुड़की में साफ हो जाते हैं तो जो बाहर गंदगी जाती है, मान लीजिए रुड़की के आउटर में जितने नाले जाते हैं वह चोक है, तो रुड़की का पानी जाएगा कहाँ? सीला खाला नाला, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, रुड़की हब ने ही यह मुहिम चलाई थी लेकिन गौरव गोयल जो रुड़की के मेयर हैं उन्होंने जो लाइन पार है वह नाला साफ नहीं करवाया, क्योंकि वहाँ पर अब पानी नहीं निकल रहा है, इसीलिए जो पानी बैक मार रहा है वो रुड़की में रहेगा। तो सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर सीला खाला नाला साफ हो जाता है तो नाला बिल्कुल अपने आप क्लियर हो जाता है, जोड़ अपने आप क्लियर हो जाते हैं और शायद पानी कम भरे रुड़की में, लेकिन भरेगा तो ज़रूर, क्योंकि रुड़की पहले से ही ऐसी ही है कि अगर वहाँ पर पानी भरता है, ऊंचा नीचा जो स्थान है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसका इलाज हो सकता है लेकिन कम जगहों पर। लेकिन जो गौरव गोयल जी ने अपनी बातों में कहा है कि पूरा रुड़की मैं नाला मुक्त कर दूंगा, यानी मतलब आपको बता दूं जल मुक्त कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। रुड़की अब इसकी पड़ताल कर रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी जगह पानी भरा हुआ है। आज रुड़की अब ने आपको दिखाया कि जहाँ पर पानी नहीं भरता था, या जेल के पिछले वाली गली हो या श्याम नगर हो या जो बाज़ार हो, इतना पानी नहीं भरता था, लेकिन आज वहाँ पर ऐसी दयनीय स्थिति है कि वहाँ पर जो जा रहा है वह पैदल आ रहा है। नितिन कुमार रुड़की अब से, आप देखते रहिए पानी। नमस्ते भाई, और ठीक हो भाई साहब? बढ़िया। मैं कह रहे हो आज रुड़की जो है पूरी जलमग्न हो रखी है। अच्छा। और हमारे जो वर्तमान में मेयर है गौरव गोयल साहब जी, उन्होंने एक वादा किया था कि रुड़की में पानी नहीं भरने दूंगा और ऐसी नालों की सफाई हो रही है कि 60 सालों में अब तक कभी नहीं हुई, तो उसमें आपका क्या कहना है?
वही थर्मामीटर लिए यही फिर था आप फिर नहीं ऐसा रुड़की में पानी तो भरेगा जी। अरे जनता ने झूठे वादे कर रखे उसे पूरा करे, क्योंकि एक बार जब हमने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपका कहना था कि रुड़की जब तक दोबारा टूट के दोबारा नहीं बनने की। देखो अंबर तलाव है और पुरानी तहसील है जी जी जी, चाहे कोई मेयर आ जाओ चाहे हिंदुस्तान का कोई सा आर्किटेक्ट आ जाओ, जब तक के वहाँ पे टूट के नहीं बनेगा वो गड्ढे में जी 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 जी, तो जब तक के वहाँ का पानी की निकासी ठीक होने की नहीं जी जी जी। और कोई भी जनप्रतिनिधि अगर उन्हें दो मोहल्ले वो लगा के जी, बात जी, करेगा तो जनता के साथ धोखा करेगा। लेकिन जो वर्तमान मेयर है गोरो गोयल वो उन्होंने एक झूठा वादा कर रहे हैं आज, क्योंकि आज जो वर्तमान स्थिति है वो तो झूठा वादा ही कहा जाएगा कि मैं रुड़की में पानी नहीं भरने दूंगा और नालों की सफाई मैं ऐसे करा रहा हूँ कि 60 साल में कभी नहीं हुई। ऐसा नहीं है, नाले की सफाई पहले भी होती चली आई है जी। पहले हमारे डैम में मतलब 14-15 लाख रुपए में सारे नालों की सफाई हुआ करती थी जी। जब तक कि आप मैनुअल काम नहीं कराएंगे, मैनुअल जनता जो है जब तक मैनुअल नाले नहीं देखेगी साफ होते हुए जी, जब तक के कुछ नहीं होगा जी। ये शहर जहाँ नाला का की निकासी है इन्होंने वहां तो अब तक कुछ कराई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पानी कहाँ से निकलेगा, नदी में जा गिरना, नदी की तरफ से तो अभी तक के साफ नहीं कराया इन्होंने। बिल्कुल, एक गणेशपुर में नाला जाता है वाल्मीकि बस्ती से, और वो भी साफ नहीं करा, वो पनियाले की तरफ जाता है, क्योंकि हमने उस पे प्रमुखता से खबर दिखाई थी जो उसे सीला नाला खाना बोलते हैं। अगर वो प्रमुखता से साफ नहीं होगा तो रुड़की में जलमग्न की समस्या खत्म नहीं होगी। तो भाई अब पहले गौरव गोयल निर्दलीय था भाजपा में जी जी जी, अब ये तो भाजपा के आदमी बताओगे नाले पहले जैसे भी सफाई हुई, जैसे हमारे टाइम में सफाई हुई ऐसे नाले तो आज ही सफाई नहीं हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने भाजपा के नेताओं से बात करी, नेता प्रतिपक्ष जो राकेश गर्ग जी से पार्षद दल के, अब उनसे भी मेरी बात हुई तो उनका भी कहना है कि अब उन्होंने बात अधिकारियों पर टाल दी कि अधिकारी उसमें। देखिए जनप्रतिनिधि गौरव गोयल है जी, अधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं है जी, जनता ने चुना है मेयर को पार्षद को। बिल्कुल, जो बोर्ड के अंदर है एमएनए सेक्रेटरी है मेयर का जी, अभी जनप्रतिनिधियों को पर सारी बात घेर देना ये अच्छी बात नहीं है मेयर की। स्वयं जनता के बीच में अपना आप जावे, बताओ जनता को कि मेरे पे ये काम नहीं हो रहा। लेकिन वर्तमान जो मेयर है हमारे, अगर जो वर्तमान हम मेयर है उससे पहले जब यहाँ पर डीएम साहब पे चार्ज था तो थर्मामीटर लिए फिर नाले पे जी जी, इतने साफ हो गए, तो आज जो जल भरा हो आज थर्मामीटर लेके निकले ना मैं जी 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 जी, तो उस थर्मामीटर को आज बताऊंगा कि यहाँ से सफाई नहीं हुई, अब तो उसका स्वयं का बोर्ड है उसे जवाब देना। बिल्कुल, आपका कहना है कि वो थर्मामीटर कहाँ गायब हो गया अब। हाँ वो थर्मामीटर अब कहाँ गायब हो गया, उस थर्मामीटर को लेकर आज खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो ये जनता के साथ ये धोखा कर रहा जी जी जी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए मैं फिर कह रहा जी, ये मुसाफिर की हट्टी पे पानी और पुरानी तहसील पे पानी कोई माई का लाल भरने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेयर साहब जो वर्तमान में मेयर साहब हैं वो फूल मालाओं में स्वागत में बिजी हैं। देखो सोशल मीडिया पे मेयर गिरदी नहीं चलती जी, मेयर गर्दी चलेगी बिना सोशल मीडिया के धरातल पे। आप धरातल पे उतर के काम करें जी जी, ये क्या हुआ फोटो खिंचवा ली हाँ जी, और ये कर दिया सोशल मीडिया से जनहित के काम नहीं हुआ करते। जनहित के काम स्वयं पैदल घूम के, और उसमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ये नाला कहाँ से कहाँ गिर रहा है और कहाँ से कहाँ इसकी पहले सफाई होनी जी, जब आगे के नाले का मुंह बंद होगा तो पीछे से कैसे पानी निकलेगा, निकासी हो ही नहीं पानी की जी। मेरे साथ तो प्रैक्टिकल आदमी बता रहे भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक वहाँ बताओ जब मान लो हमारा खाल अटा पटा रहेगा, अगर आप खेत में पानी दे रहे खाल अटा पटा रहेगा तो खाल में जो पानी होगा फरा करेगा दूसरे खेतों भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे साथ एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा क्या हुआ कि गौरव गोयल को निर्दलीय चुनाव जीत दिया, जनता से उन्होंने वोट निर्दलीय के नाम पर ले ली, क्या मजबूरी बनी कि उन्हें भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। देखो ये तो वही बतावे जी, ये तो स्वयं वही बताएगा उस पर क्या ऐसा प्रेशर था जितनी जल्दी उसने भाजपा ज्वाइन करी, या कोई सी ऐसा वो उसका स्वयं का निर्णय है, कोई कहीं जाते को उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर हाँ
क्योंकि हम विपक्ष की पार्टी है यहाँ कांग्रेस, अब वो भाजपा में है तो हमें उससे जवाब मांगना चाहिए, जनता को जवाब मांगना चाहिए, जनता को उसे जवाब देना चाहिए। नहीं, क्या भाजपा ज्वाइन करने से वो शहर की समस्याओं को अब उसका कुछ निराकरण नहीं होगा? ऐसा है, अधिकारियों से जब कमीशन खोरी वहाँ इतनी बढ़ चुकी है जी 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 निगम में जी, जवाब दे गवर्नमेंट को एमएनए की है जी 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 जी। एक आपके टाइम पर सुना जाता है कि आप कोई कमीशन नहीं लेते थे, ऐसी शहर में चर्चा है। तो मुझे तो एक ठेकेदार बता दे, मुझे कभी पैसे दिए किसी ठेकेदार ने, एक शहर का व्यक्ति बता दे, एक मुझे अफसर बता दे, जितने भी अफसर रह गए जी 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 जी, तो मैं उसी दिन राजनीति संन्यास ले लूंगा। अब लेकिन शहर में चर्चा है कि उसमें जो कमीशन का खेल है वो बहुत काफी जागे से बढ़ गया है, उसकी जो रेट है वो काफी बढ़ गए हैं, क्या कितनी सत्य, क्या बयान कहना है आपके इस बारे में? ऐसा है, जब कमीशन का में अगर मेयर अगर कमीशन अधिकारी से मांगेगा अगर मुझे पैसे चाहिए तो उस अधिकारी क्यों सुनेगा? जी 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 जी, चेक पे साइन होने हैं, साइनिंग अथॉरिटी एमएनए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो किस बात की कमीशन मांग रहा है? आप जनता की सेवा करना चाहते हैं या यहाँ लूट खसोट के लिए कुर्सी बैठना चाहते हैं? जी 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 जी, आप अपने गुणवत्ता, एक उन्होंने फरमान जारी करा, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था ठेकेदारों की बोली मीटिंग, उसमें कह रहे हैं जब तक के मैं काम उद्घाटन नहीं करूंगा जब तक के उसका काम मानना नहीं जाएगा। जी जी, कहा का है कि उद्घाटन करना कोई जरूरी है? जी जी, ठीक है, आपने टेंडर छोड़ा, जो ठेकेदार काम करेगा वो वहाँ निगम में लिख कर देगा कि मैं फला दिन काम कर रहा हूँ, आप पर टाइम आप जाओ, और आप पर टाइम नहीं है तो ठेकेदार अपना काम करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो एक नाजायज तरीके से दबाने वाली ठेकेदारों को बात होगी उनने, जिससे मुझे कमीशन दे। बिल्कुल बिल्कुल, आप गुणवत्ता की बात करो, मैं गुणवत्ता चेक करूँ, अगर आपकी गुणवत्ता खराब होगी तो मैं आपको यहाँ से ब्लैकलिस्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि मेयर साहब ने गुणवत्ता की बात करें जी जी, मेयर साहब ने शुरू से ही कहा है कि मैं ऐसे करूंगा, लेकिन उनके कुछ कार्य, चाहे वो आवास विकास का मामला हो, चाहे वो सुनहरा रोड का मामला हो, तो आधी जो वीडियो आ रही है उसमें सड़क भारी बारिश हो रही है, उसमें सड़क बन रही है और वो अगले दिन बह गई, तो ये तो दावे उनके खोखले पड़ गए ना, सारे उनके वादे खोखले हैं। जी जी, जिस ठेकेदार ने बनाई तो उसे ब्लैकलिस्ट करें। जी 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 जी, जब उनसे पैसे लेंगे तो ब्लैकलिस्ट करने की पावर ही नहीं है। लेकिन 30% कमीशन का खेल सुना जा रहा है नगर निगम में, हालांकि हम इसका ऑफिशियल उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो शहर में चर्चाओं का दौर जारी है कि अब जो है नगर निगम में ठेकेदार, वो तो एक आप रजिस्ट्रेशन करा लो, आप पुष्टि बना, हो जाएगी आप उससे मांग रहा नहीं मांग रहा। जी 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 जी, अगर आप जब तक कमीशन घोरी के बाहर रहेंगे, जब तक आप गुणवत्ता ठेकेदार बना के रखेगा। जी 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 जी, और जब आप कमीशन घोरी में पड़ जाएंगे तो ठेकेदार कहाँ से देगा, अपने घर से थोड़ी देगा। नहीं सर, मेरे साहब मैं आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रदेश के वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, क्या भाजपा से में आने से कि व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं? भाजपा के अंदर जो इतने भी गए हमारी पार्टी से छोड़ छोड़ के, पहले यही लोग उन्हें बताते थे कि भाई फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है। जी जी, और जब वे लोग भाजपा में चले जाते हैं वहाँ गंगा जल की तो पवित्र हो जा। जी 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 जी, तो ये तो भाजपा का करनी है और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। क्या ये भाजपा में शामिल, देख लो जी 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 जी, क्या भाजपा में शामिल होने के बाद के भाजपा का नाम भी बर्बाद कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है, बदनाम नहीं हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा पहले से ही बदनाम पार्टी है जी, और भाजपा संवर्ग एक बात करती है, भाजपा पार्टी कभी भी विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। जी जी जी, ये पेट है, आप रोजगार पैदा करिए, इस प्रदेश में इतना युवा बेरोजगार घूम रहा है, आप उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करिए, आप उनके लिए नौकरी निकालिए। हमारे यहाँ इस नगर निगम में भी इन्होंने सफाई कर्मचारियों के भर्ती पे भी रोक लगा रखी है। अरे आप खोलिए। जी 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 जी, आपके आज की डेट के अंदर 80-85 कर्मचारी परमानेंट है। जी, और जब हम 1995 में मेंबर बने गए तो उस टाइम पर 450 कर्मचारी थे परमानेंट। जी 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 जी, तो 1995 में जब हम मेयर पार्षद करते 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 मेयर के पद पे पहुंचे, और हमारे हमने कई लेटर शासन को लिखे हैं कि आप नौकरी खोलिए, भाजपा नौकरी खोल ले। मेरे साहब एक आखिरी सवाल ये है
कि जो वर्तमान मेयर गौरव गोयल है उनका कहना है कि 60 साल में कभी ऐसी नालों की सफाई नहीं हुई जो अब हो रही है, उस पर क्या कहना है आपका? 60 साल में ऐसा गलत कह रहे हैं गौरव गोयल जी, मैं फिर ये कह रहा हूँ नाला जब तक के प्रॉपर साफ नहीं होगा जी, मेन साफ नहीं होगा जब तक के पानी भरता रहेगा, क्योंकि आज जो पहली बारिश पड़ी है, अगर देखा जाए सावन की पहली बारिश पड़ने जा रही है, एक घंटे की बारिश पड़ी है जी 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 जी, ना जड़ी जैसे कहते हैं एक हफ्ते की जड़ी जी जी जी, तो रुड़की में साल में नहीं भरा होगा जितना इस बार भरेगा, बहुत ज्यादा जल भरा होगा क्योंकि हम मोहल्ले टू मोहल्ले हम दौरा कर रहे हैं और हम अपनी रुड़की की जनता को दिखा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ प्रभु गोयल जी, अगर ये कह रहे हैं ना जैसे नाले में 60 साल में ऐसे साफ नहीं हुए जी 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 जी, मैं ये कह रहा हूँ इतना पानी कभी 60 साल में रुड़की शहर में भरा नहीं होगा जितना इस बार भर जाएगा, अगर जिस दिन 8 दिन की झड़ी लगी ना जैसे पहले झड़ी लगती थी जी 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 जी, मैं सर अगर 2 दिन भी बारिश होगी तो रुड़की डूबने की कगार पा जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये तो आज 1 घंटे की बारिश में ये हाल है शहर का, ये तो शहर की जनता से को पूछना चाहिए, इस शहर की जनता को जवाब देना चाहिए, और थर्मामीटर ले लेके फिर रहा था सुपर सीट बोर्ड में जी 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 जी, तो आज ये बताए ना उसके उस टाइम पे कितने में नाले साफ हो रहे थे, आज कितने में नाले साफ हो रहे। मेरे साहब आपसे एक आखिरी सवाल ये है, उस टाइम कितना जल भराव कहाँ था और आज कितना जल भराव कहाँ है? जी जी मेरे साहब आपसे आखिरी सवाल ये है कि 23 तारीख को आने वाली 23 जुलाई को शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है, तो अभी अब 3 महीने पहले वर्तमान मेयर ने घोषणा की थी कि मैं 1 हफ्ते के अंदर मूर्ति को अपने पुराने जगह पर लगा दूंगा, आज उसमें बात हुई थी 6 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई हमें वहां पे देखने को मिला, वहां आज भी अंडे की थैली लग रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भाजपा के लोग शुरू से ही शहीदों का अपमान करते चले आए जी, भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं जी, आप ये नाथुराम गोडसे के चाहत रखते हैं, गांधी की विचारधारा में अपना नहीं रखते जी जी जी, को तो विचारधारा गोडसे ही चाहिए जी जी जी। मेरे टाइम में एक ठेका सुरेश के नाम हुआ था जी, चंद्रशेखर चौक का बिल्कुल 9 लाख कुछ का ठेका था वो जी, तो इन्हें तो उसमें पैसा लगाना ही नहीं था जी, उस टेंडर को ही रिपीट करके उसमें फुहारा भी था सब चीज थी और मूर्ति के लिए था जी, जी, वो जी, काम किसने रुकवाया? वो भाजपा के विधायक ने रुकवाया जी, जी, आज गौरव गोयल भाजपा में उस टेंडर को जुगे तो वो रिपीट करते, सुरेश जी ठेकेदार है लेकिन उसे वर्क ऑर्डर दे दे बिल्कुल, उसमें किसी के कोई पैसा लगने की जरूरत ही नहीं जी, और जनता वहां पर मूर्ति रख देगी, ये काम तो करा है, ये झूठे वादे कर रहे हैं बात को जी जी जी। तो मेयर साहब झूठे वादे करते हैं, आपका आरोप ये है भाजपा पर, आपने बड़ा आरोप लगाया कि मेयर साहब झूठे वादे करते हैं और कहीं ना कहीं ये होते भी दिख रहे हैं, झूठे वादे भी है और ये प्रमाण भी है झूठे का जी जी जी। सुरेश ठेकेदार है, सुरेश ठेकेदार के नाम टेंडर छूटा हुआ है जी जी, उसे वर्क ऑर्डर दें जी जी। अब आने वाला चुनाव 2022 में है, तो उसमें आपकी क्या तैयारी है मेयर साहब? 2022 में चुनाव कांग्रेस पार्टी की सरकार पक्का बनेगी जी, जी, जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है जी, और जनता इन्हें 2022 में मुंह तोड़ जवाब देगी जी 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 जी। आप देख लेना कांग्रेस पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी जी जी। मेरे साहब आपने हमें बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप रुड़की की जनता भी देख रही है कि रुड़की शहर में क्या हो रहा है, कहाँ कुछ जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी हाँ। पार्टी की आपके क्योंकि आपके क्या जाएगा जी जी, ये 50 आदमियों में 100 आदमियों में ये दावा कर रहे थे कि मैं मेरा वादा है हाँ, हाँ। कि मैं पानी नहीं भरने दूंगा, उस पे क्या कहना है आपका? मैंने वही बात, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना, मैं उसी हाँ बात पे आ रहा हूँ हाँ, मुझे लगता है कि अभी और समय की जरूरत थी। कितना समय मानते हैं, 1 साल 2 साल? चलिए हम आपको हाँ, बिल्कुल, साल, साल। बिल्कुल मैं मानता हूँ। क्या आप वादा करते हैं कि 2 साल बाद भी रुड़की में पानी नहीं भरेगा? आप अपने इस पे स्टैंड है क्योंकि 2022 में भी चुनाव होने बाकी है। मुझे, मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ कि 2 साल कम से कम ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारने में लगेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस के पूर्व मेयर यशपाल नाना है उनका एक कहना है, उन्होंने साफ, और क्योंकि हम जब मेयर जब भी उन्होंने ये कहा था हाँ, कि जब तक रुड़की शहर को दोबारा से नहीं बनाया जाएगा हाँ, हाँ, चंडीगढ़ की तर्ज पर, तब तक पानी भरना बंद नहीं होगा, उनका साफ कह रहा ये है। बिल्कुल, पहले भी ये था, उनका आज भी कहना है, उन्होंने कहा था कि मैं झूठ ना झूठे वादे पे विश्वास रखता हूँ, ना झूठे लागते पेट पे। तो अब आप कह रहे हैं कि आपको कुछ समय और चाहिए?
मुझे, मैं यही, मैं जो उन्होंने, मैं उससे सहमत हूं बिल्कुल, अगर जो उन्होंने बात कही, क्योंकि रुड़की शहर का जो पहले जो नाले की जो स्थिति है, नक्शा है, वो पुराने शहर के ऊपर बना हुआ है। अब बिल्कुल शहर के ऊपर दबाव इतना है, पॉपुलेशन, जनसंख्या का दबाव भी है शहर के अंदर, तो मुझे लगता है इसके लिए समय की आवश्यकता होगी, जो पूर्ण रूप से इसको हम पूरा से जो है इसको अलाइन कितना करके। समय, तो कितना समय? मुझे, मैं मानता हूं कि मुझे 2 साल नगर निगम को कम से कम 2 2.5 साल 3 साल लगेंगे इस 3 साल व्यवस्था को अगर आपको दुरुस्त दे करने। दी जाए तो क्या पूरी तरह से पानी बंद हो जाएगा भरना? नहीं, मैं ये बात मैं नहीं कह सकता कि कार्य तो नगर निगम को करना है, मेरे हाथ लेकिन में नहीं आपके है, मेयर, जो आपके लेकिन पार्टी के हाँ मैं मेयर है, बिल्कुल वो मानता कैसे, हूँ कि मैं वो जनता को कैसे पागल बना रहे हैं? बिल्कुल ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नाते मैं इतना इतना विश्वास रखता हूँ कि गौरव गोयल जी और नगर निगम आने वाले 2 2.5 3 वर्ष के अंदर अंदर रुड़की की इस समस्या से रुड़की को जो है निजात दिला पाएंगे, और इसमें शहरी विकास मंत्रालय का भी हमको सहयोग मिलेगा, नहीं, और हम मैं माननीय आपसे ये जानना अपने चाह जी रहा हूँ कि मेयर साहब ने, मेयर बनते ही जब ये कहा था, ये और चुनाव से पहले भी कहा था कि 6 महीने मुझे आप दीजिएगा और हाँ छह हाँ महीने में मैं आपको जल भराव से बिल्कुल मुक्त कर दूँ। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद फिर हम भी कहेंगे, बल्कि हमें कहना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये वीडियो पूरी पब्लिक देख रही है। उन्होंने बिल्कुल हमारे लिए भी रुड़की आपके लिए भी स्पेशल कॉम्प्लीमेंट किया था। उसमें पूर्व में जो पार्षद दल के नेता रहे वर्तमान पोसवाल जी भी मौजूद थे, उन्होंने वादा किया था कि मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं रुड़की में 1 इंच भी पानी नहीं भरने दूंगा। तो क्या वो उनका घमंड माना जाए या उनके कार्य को में जल्दबाजी कहा जाए, क्या कहा गया उस पर? नहीं, वो जल्दबाजी नहीं, वो इनका एक विश्वास था, उनको ये उम्मीद थी कि वो नगर निगम के मेयर बनने के बाद वो इस हाँ कार्य को जल्द से जल्द वो पूरा कर पाएंगे, लेकिन लेकिन वो एक आदमी का विश्वास है, हो सकता है सब वो उनकी प्रयास जारी है उनके उस क्या वो दिशा में। निर्दलीय रुड़की की सेवा नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने पार्टी माना पड़ा? नहीं, वो पार्टी के तो एक्चुअली वो थे ही, पहले से ही नहीं, वो पार्टी के थे, लेकिन रुड़की की वो टिकट जनता, कुछ जो 40% जनता का बयान हमारे पास आ रहा है कि हमारे साथ जी, धोखा हुआ है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? उस बारे में मेरा सिर्फ इतना कहना है, गौरव गोयल जी, जिस तरह से गौरव गोयल जी ने भी खुद भी कहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि गौरव गोयल जी पार्टी से जरूर चले गए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के खिलाफ या पार्टी के बारे में किसी तरह की कोई शब्द नहीं कहे। आप एक बार बताइए अध्यक्ष जी, आप नगर के पूर्व जी अध्यक्ष रहे हैं और भाजपा के जी इतने वरिष्ठ नेता है, जी क्या भाजपा से बगावत करना कम मानते हैं? आज कल को आप ही अगर आप बगावत होकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या जी भारतीय जनता पार्टी से धोखा नहीं कहा जाएगा? देखिएगा इतनी जल्दी गौरव आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये बयान हमारे पास भी है, अगर हम उसे थोड़े दिन में चलाएंगे भी, जब जी मयंक गुप्ता जी की रैली हो रही थी और मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर जी जो जी बागी हुए हैं उन्हें 6 साल से पहले पार्टी में नहीं लिया जाएगा, जी जी और जो धोखा पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या 6 महीने में ही पार्टी की नीयत बदल गई या पार्टी को जरूरत पड़ गई मेयर गौरव गोयल की, काम नहीं चला, क्या कहना चाहेंगे आप? गौरव जी, इसमें मेरा कहना यह है कि जब कोई राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व तो कोई निर्णय लेता है तो उसको हम सबको मानना होता है। अब नहीं, प्रदेश आपके नेतृत्व प्रदेश में के गौरव मुखिया का जी ये बयान था, जी आपके प्रदेश के मुखिया का ये बयान था, इसीलिए मैं आपसे ये बार बार पूछ रहा हूँ जी कि जी ऐसा जी क्यों मजबूरी पड़ गई कि गौरव गोयल को पलटे वापस लेना पड़ा? मजबूरी, पार्टी को ऐसी मजबूरी नहीं पड़ गई, तो पार्टी को यह लगता था कि पार्टी का एक कार्यकर्ता है जो, जिसने नगर निगम के चुनाव में रुड़की का मेयर जो व्यक्ति बन गया, जो पार्टी के उस समय जरूर खिलाफ क्या लड़ा, मयंक गुप्ता जी और बिल्कुल जनता ने नकार दिया मयंक गुप्ता जी को, या मयंक बिल्कुल गुप्ता नहीं, जी इस काबिल बिल्कुल नहीं, नहीं थे, या मुख्यमंत्री ने मयंक गुप्ता जी को नकार नहीं दिया? नहीं ऐसा नहीं, हमारे लिए मयंक गुप्ता जी पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं नहीं, आप एक और बात पे भारतीय स्टैंड जनता रखिए, पार्टी का चेहरा या तो भी थे। मेयर गौरव गोयल अच्छे हैं या मयंक गुप्ता जी बिल्कुल नकार दिए गए थे और आज भी नकार दिया गया, जो जिस वजह से मेयर गौरव गोयल की वापसी। ये इस तरह का विषय नहीं है, विषय ये है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कभी भी इस तरह से नहीं होता, अगर कोई कार्यकर्ता कोई पार्टी से या परिवार से चला गया है और जनता ने उसे सराहा है, उस नहीं, व्यक्ति को उस वक्त जनता ने परिवार अपना कहाँ गया बहुमत था, जब दिया है। परिवार को अपने सदस्य की जरूरत थी, इतने सालों से गौरव गोयल कार्य कर रहे थे, 1% अगर 2022 में आपका टिकट कटता है, क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे? जी ये प्रश्न किसके लिए पूछा आपने? मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, अगर क्या एक पूछा, परसेंट दोबारा पूछे आप। आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 1% आपका हाँ टिकट कट जाता है, हाँ तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे?
नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत उसकी वार्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और निश्चित रूप से मैं पार्टी से अपने तो टिकट की ये बात दावेदारी गौरव करूंगा, गोयल पे क्यों लागू नहीं हुई? लेकिन लेकिन अगर 2022 में नहीं होता है तो मैं पार्टी से बगावत नहीं करूंगा। तो ये बात गौरव गोयल पर लागू क्यों नहीं हो रही है? ये बात गौरव गोयल पे, अब ये पार्टी का, मैंने आपसे कहा, ये ये तो नेतृत्व का मौका पर निर्णय है। ऐसे लोगों को